हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये पार्टी वेयर नायरा स्टाइल कुर्ती, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो नायरा कुर्ती रेडीमेड में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसा कि आप मार्केट में देख सकते हैं। इस तरह की कुर्तियाँ काफ़ी कॉस्टली मिल रही हैं। अगर आप घर पर बनाएंगे तो बहुत ही कम रेट के साथ ये आपकी पार्टी वेयर ड्रेस रेडी हो जाएगी। सो गाइज, अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक लेकर आप इस तरह से ये कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ये कुर्ती और प्लाजो जॉर्जेट फैब्रिक से बनाया है। सो यहाँ पर मैंने डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक और प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। इस कुर्ती के साथ मैंने अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है, क्योंकि मैंने ये पार्टी वेयर बनाया है। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपल लुक देना चाहते हैं तो स्ट्रेट पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। हालाँकि जो इसका लुक है वो अम्ब्रेला प्लाजो के साथ ज़्यादा एलिगेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। अब देखिए, बात करते हैं इस कुर्ती के मेजरमेंट की। तो यहाँ स्क्रीन पर आप ये मेरा मेजरमेंट देख सकते हैं। यही फार्मूला यूज़ करके आप छोटे से बड़े साइज़ की ये कुर्ती बना सकते हैं। बस आपको फार्मूला यही यूज़ करना होगा और जो साइज़ है वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये कुर्ती बनाने के लिए देखिए, मैंने 2 मीटर डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सो यहाँ पर रेशम वर्क है और ये इस तरह का मिरर वर्क है। इसके बाद हमने 2 मीटर डोरी ली है और साथ में ये 4 टाजल्स लिए हैं। तो ये डोरी और टाजल्स मेरी रेडीमेड है, आप घर पर भी बना सकते हैं मैचिंग फैब्रिक के साथ। सो ये हमारे स्लिट्स में लगेंगे डोरी और टाजल्स। इसके बाद हमने देखिए ये 1/2 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है, जिसको हम लाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो लाइनिंग हम सिर्फ टॉप पार्ट में लगा रहे हैं, इसलिए हमने 1/2 मीटर लिया है। अब प्लेन फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है, तो ये मेरा 2.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक है, जिससे हम घेरा बनाएंगे और स्लीव में कैप लगाएंगे। तो कुर्ती हमारी 2 पार्ट में कट होगी। सबसे पहले हम लाइनिंग पर अपने टॉप पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, इसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। चौड़ाई हम अपने बस्ट के हिसाब से रखेंगे। सो ये फोल्डेड साइड है मेरी तरफ, इसकी जो चौड़ाई है 11 इंच है, 9.5 इंच पर इसका बस्ट बनेगा और ये आगे इसका मार्जिन हो गया है। अब बात करते हैं लेंथ की। तो यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की जितनी भी नॉर्मल लेंथ रहती है, जैसे 15 इंच पर मेरे टॉप पार्ट की नॉर्मल लेंथ है, तो उसमें हमने 2 इंच प्लस कर लेना है, यानी हमारी नॉर्मल लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा इसको हम रेडी करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच, तो 7 इंच पर मार्क करके नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच, और बैक नेक की जो गहराई है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ, और फ्रंट नेक की गहराई मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। नेक में अस्तर में बनाऊँगी, आप चाहें तो नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं। अब नीचे से भी 3 इंच पर हम मार्क करके 2 बॉक्स बना लेंगे, और इन दोनों बॉक्स में अपने बैक और फ्रंट की नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1/2 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे, और इस मार्क को हम अपने नेक की विड्थ पर मिला देंगे, तो ये हमारी शोल्डर डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे जो है 7 इंच, पहले सीधा मार्क करेंगे, इसके बाद हम ऊपर सीधा मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 9.5 इंच, और मार्क कर देंगे। अब फ्री हैंड से हम अपने बैक आर्म होल की शेप देंगे, और 1/2 से 1/4 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच। अब आगे की तरफ हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब दोनों पॉइंट को लाइनअप कर देंगे, तो एक मार्क हमारा फिटिंग का रहेगा और एक कटिंग का। सो कटिंग वाले मार्क पर हमने 0.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है, और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है। अब बंद वाली साइड से आगे की तरफ हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर हमारी प्लेट्स आएंगी इतने एरिया में। टॉप पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमारा जो डिज़ाइनर फैब्रिक है, इसमें से हम अपने टॉप पार्ट के बराबर फैब्रिक ले लेंगे। तो देखिए, ये 4 लेयर है और ये बंद साइड है, दोनों की बंद साइड एक तरफ रखेंगे, और इसके बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर के नॉचेस लगाएंगे, और जो हमने 5.5 इंच पर मार्क किया था, इसकी सभी लेयर में छोटा सा एक कट लगा देंगे। तो ये सभी लेयर नीचे से लेके ऊपर तक कट आएंगे। अब इन दोनों में से हम एक एक पार्ट निकाल लेंगे। सो एक हम लाइनिंग में से निकालेंगे और एक जॉर्जेट में से निकालेंगे, तो ये हमारे बैक वाले पार्ट बन जाएंगे। इसके बाद ये वाले पार्ट को हम दोबारा से फोल्ड करके नेक की गहराई कट कर लेंगे, और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हमने नेक बनाना है। तो जॉर्जेट को हम सीधी तरफ ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर रख के
नेक से एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसे सीधी तरफ टर्न कर देंगे। अब हमने घेरा कट करना है, तो ये हमारा प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक है, इसकी किनारे वाली साइड से हम अपने घेरे की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से हमने लेंथ लेनी है जहाँ से किनारी होती है। अब सबसे पहले हम ऊपर की तरफ अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ निकाल लेंगे, यानी 16 इंच पर मैं रेडी कर रही हूँ टॉप पार्ट। इसके बाद नीचे से हम कुर्ती की टोटल लेंथ देखेंगे और उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मुझे 45 चाहिए तो मैंने 47 को इस तरह से यहाँ से इसकी लेंथ ली। अब इसको हम यहाँ से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसको अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये कुर्ती के फ्रंट और बैक के दो घेरे कट हो गए हैं। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है यानी इसका अरज है वो लगभग 44 के अराउंड है और जो इसकी लेंथ है वो 31 इंच है। तो इस तरह से हमारे घेरे कट हो गए हैं। अब हमने इसके स्लिट्स पर लगाने के लिए पट्टियाँ कट करनी है। सो जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है यानी डिज़ाइनर फैब्रिक, इसमें से हम सीधी सीधी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो दो दो लाइन में एक पट्टी में ले रही हूँ, चार पट्टियाँ कट करूँगी क्योंकि हम चारों स्लिट्स में लगाएंगे। साइड से प्लेन फैब्रिक भी आ रहा है इसमें, यानी अंदर की तरफ जो फोल्ड होगा। तो इस तरह से मैंने हिसाब से यहाँ पर ये चार पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो देखिए ये पट्टियाँ हमारी उतनी ही लंबी हैं जितनी हमारे घेरे की लेंथ है, यानी 31 इंच। अब इनको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। पट्टी की सीधी तरफ हमने ऊपर रखी है और जो हमारे घेरे की सीधी तरफ है वो ऊपर है। यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हम दूसरी पट्टी रखेंगे। दोनों पट्टियों को हम एक ही साइड में रखेंगे इस तरह से। इसके बाद डिज़ाइनर जॉर्जेट में से हमने सिंपल स्लीव कट कर ली है। लेंथ इसकी 16 इंच है, आर्म होल की विड्थ 9.5 इंच है और स्लीव ओपनिंग 6.5 इंच है। एंड कैप की जो लेंथ है वो मैंने लगभग 20 इंच ली है और चौड़ाई दोनों की बराबर रहेगी जितनी हमारी मोरी की चौड़ाई रहेगी कटिंग के बाद। तो प्लेन फैब्रिक से हम अपना कैप बनाएंगे स्लीव का। सो इनकी ओपन जो साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी इस तरह से और यहाँ से स्लीव में फिटिंग आएगी। अब कैप को रेडी कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसकी तीनों साइड से हम 1/2 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो तीन साइड से इसको फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हम इसको अपनी स्लीव में ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये हमारा घेरा है जिसके स्लिट्स में हमने ये पट्टियाँ लगा ली हैं। इसको अब हमने इस तरह से बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ लाना है और किनारे पर एक प्रेस स्टिच करनी है। तो इस वाली सिलाई से जो ये पट्टी है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी हो जाएगी और कोई झोल भी नहीं आएगा, तो ये सिलाई करना ज़रूरी होगा। सो अब मैं इसको इस तरह से सीधा सीधा पकड़ के नीचे तक सिल दूँगी। एंड गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हम इस तरह से टर्न हो जाएंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब ये वाली जो साइड है यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखिए फोल्ड होने के बाद ही इसका जो लुक है वो बिल्कुल लेस की तरह लगेगा। लेकिन लेस का हम कोई भी अलग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। जिस फैब्रिक से मैंने टॉप पार्ट और स्लीव बनाया है उसी फैब्रिक की पट्टियाँ कट करके स्लिट्स में लगा दी हैं, लेकिन जो लुक है वो इसका लेस की तरह आएगा। अब देखिए जो इसकी रॉन्ग साइड है उसमें भी हम फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे। सो इस तरह से एक पार्ट में हम दोनों पट्टियों को लगा लेंगे और दोनों घेरों को हम इसी तरह से रेडी करेंगे। इसके बाद बैक वाले नेक पर हमने सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और अब हम इसको सीधे तरफ टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक बन चुका है और इसी तरह से मैंने फ्रंट नेक बनाकर किनारे पर एक सिलाई लगा दी है और इसको चारों तरफ से एक सिलाई लगाकर पेस्ट कर दिया है। अब हमने कंधी ज्वाइन करनी है। सो दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी। अब कंधी से बराबर मिलाकर रखेंगे और बैक का जो अस्तर है वो फ्रंट के अस्तर की तरफ लाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 1/2 इंच का दबाव लेंगे और कंधी को सिल देंगे। और इसी तरह से अब मैं दूसरी कंधी भी सिल दूंगी। सो देखिए ये हमारी अंडरग्राउंड कंधी सिल जाएगी। तो बैक वाले अस्तर को फ्रंट के अस्तर में इस तरह से लाना है और स्टार्टिंग एंड में सिलाई को अच्छे से पक्का करके लॉक कर देंगे। सो ये दोनों कंधियाँ हमारी जुड़ चुकी हैं और जो इसकी कंधी का जो देख सकते हैं आप अंदर का फैब्रिक अंदर की तरफ चला गया है। अब हमने बैक नेक की किनारे पर भी सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद फिर हमने बैक जो हमारा पार्ट है उसके भी चारों तरफ एक सिलाई लगाकर पेस्ट कर लेना है। तो जैसे हमने फ्रंट वाला पार्ट अस्तर के साथ पेस्ट किया था उसी तरह से हम इसको भी एक दूसरे के साथ पेस्ट कर देंगे। अब हमने इसकी फिटिंग लगानी है। सो जो हमारी फिटिंग की मार्किंग थी कटिंग के टाइम, उस मार्किंग को मैंने दूसरी साइड में भी ट्रेस कर लिया है।
स्टार्टिंग और एंड में सिलाई को पक्का कर देंगे। और इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड की भी फिटिंग लगा लूँगी। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने अस्तर पर मार्किंग की थी, क्योंकि जो हमारी फिटिंग है वो अंदर अस्तर की तरफ लगानी होती है तो आसानी हो जाती है सिलते हुए। सो ये हमारी फिटिंग हो चुकी है, अब हमने इसका घेरा लेना है। सो घेरे को मैं किस तरह से लगाऊंगी वो देखिए, ये हमारा टॉप पार्ट है और ये हमारे दोनों घेरे हैं। दोनों घेरों को हमने एक ही तरह से रेडी कर लिया है इस तरह से। अब इसकी देखिए राइट साइड दोनों की एक तरफ रहेगी। सो दोनों की राइट साइड को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और साइड में हमने जो स्लिट्स की तली पट्टी लगाई थी वो यहाँ टॉप पार्ट की फिटिंग के बराबर मिलाकर रखेंगे, और बीच में छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी। सो इसको भी हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे। तो अब यहाँ प्लेट्स कैसे लगानी है देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट के सेंटर में मार्क करेंगे, और सेंटर से इधर जो हमने नॉचेस लगाए थे कटिंग के टाइम उस पर मैंने मार्क कर लिया है। तो ये हमारा दोनों तरफ 5.5 इंच है। सो ये तीनों मार्क को हम बैक पार्ट में भी इसी तरह से ट्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हमने कटिंग के टाइम नॉचेस लगाए थे, सिर्फ हमने मार्किंग करनी है। अब हमने अपना घेरा लेना है। सो देखिए साइड में हमने जो पट्टियाँ लगाई थी वो हमारे टॉप पार्ट की कमर की साइड में यानी फिटिंग के साइड में आएंगी। सो फिटिंग के बराबर इसको मिलाकर रखना है पट्टी को इस तरह से। सो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मिलाना है। अब देखिए हमारा जो घेरे का सेंटर है और टॉप पार्ट का सेंटर है, ये हमारे घेरे का सेंटर है, दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे। और यहाँ पर मैं एक पिन लगा देती हूँ। इसके बाद देखिए ये जो पट्टी है साइड की, यहाँ फिटिंग के साइड में मिलाकर रखेंगे यहाँ से, और मैं यहाँ पर भी एक पिन लगा दूँगी इस तरह से। अब हमने ये बराबर फैब्रिक दोनों तरफ डिवाइड हो गया है, तो इतने फैब्रिक में हमने इतनी जगह में प्लेट्स बनानी होगी। तो सबसे पहले हम जहाँ हमने मार्क किया है यहाँ तक हम बिल्कुल सीधा सिल देंगे। इसके बाद हमने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनानी हैं। सो प्लेट्स 1/2 इंच की रहेंगी, और प्लेट्स का जो गैप है वो इक्वल रहेगा। इसके बाद सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे, और सारी प्लेट्स हमने यहाँ लाकर ख़त्म करनी है जहाँ पर हमने दूसरा मार्क किया था यहाँ तक। तो यहाँ लाकर हमने लास्ट प्लेट डाल देनी है इस तरह से। इसके बाद आगे की तरफ हम इसको सीधा सिलेंगे। अब हमने अपनी डोरी लेनी है। सो नीचे के फैब्रिक को हमने इस तरह से तिकोना फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम अपनी डोरी लगाएंगे, तो डोरी को मैं इस तरह से थोड़ा सा छोटा बड़ा रखूँगी इस तरह से, और इस डोरी को यहाँ पर सिल दूँगी, यानी जो हमारे स्लिट्स हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पर। अब हम दूसरा वाला घेरा लेंगे, और दूसरे घेरे को भी बिल्कुल इसी से मिला कर रखेंगे यहाँ पर। अब इसको भी बिल्कुल सीधा सिलेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया था, और मार्क के बाद हमने फिर प्लेट्स डालनी हैं। सो ये भी हम बिल्कुल उसी तरह से सिलेंगे जैसे अभी हमने फ्रंट का पार्ट सिला है। सो यहाँ पर उतनी ही प्लेट्स आएंगी जितने हमारे फैब्रिक का अरस था। सो यहाँ तक लाकर हमने इसको बिल्कुल ऐसे कंप्लीट कर दिया है। अब ये अंदर वाला फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और यहाँ से ये डोरी रख कर इसको सिल देंगे। तो दोनों साइड में हमने एक साथ ही डोरी लगा ली है। सो इस तरह से ये हमारा घेरा टॉप पार्ट से सिल चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए जहाँ तक हमारे टॉप पार्ट की लेंथ होगी, यानी जहाँ तक हमारा टॉप पार्ट कमर के साइड आएगा वहीं पर ये स्लिट्स बनेंगे। सो इस तरह से जो घेरा है वो हमारे टॉप पार्ट से जॉइंट हो चुका है। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव जॉइन करनी है। तो स्लीव जॉइन करने से पहले हम इसका घेरा फोल्ड कर लेंगे। सो घेरे के लिए मैं 1/2 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दूंगी। सो यहाँ पर हमारा 1 इंच फैब्रिक जो है वो यूज़ हो जाएगा, यानी 1 इंच ख़त्म हो जाएगा। अब इसको सीधा सीधा सिल के हम जो घेरा है वो हेम कर देंगे। अब देखिए स्लीव में मैंने फिटिंग लगा ली है, और स्लीव का आर्म होल हमने अपनी कुर्ती के आर्म होल के बराबर रखा है, और स्लीव ओपनिंग जितनी भी रखनी है उतने में मैंने फिटिंग लगा ली है। इसके बाद अब हम अपना कैप लेंगे। इसको तीनों तरफ मैंने 1/2 इंच फोल्ड कर दिया है। अब हमने कैप को जहाँ से फोल्ड नहीं किया है वहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक नॉच लगाएंगे। इसके बाद स्लीव की जो फिटिंग वाली साइड है ये वाली, यहाँ पर इसको हमने यानी जो नॉच लगाया है फिटिंग वाली साइड में रखेंगे, दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी इस तरह से। अब यहाँ से इसको पकड़ के बराबर मिलाते हुए हमने जहाँ तक भी इसकी लेंथ आएगी वहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। सो मैं यहाँ से रख कर इसको सिलूँगी। सिलाई का जो दबाव है वो 1/2 इंच रहेगा, तो 1/2 इंच इसकी गोलाई में सिलेंगे। इसके बाद जो हमारी स्लीव का नीचे वाला पार्ट है यानी सिलाई वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको तिकोना करके फोल्ड कर देंगे, और यहाँ भी हम सीधा 1/2 इंच सिलते जाएंगे।
अब बस इसको हमने पूरी गोलाई में सिलना है इस तरह से। और जो हमारा कैप है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जस्ट एक दूसरे के बराबर आएगा जैसे हमारी कुर्ती में स्लिट्स आए थे तब भी काफ़ी है। तो लीजिए स्लीव हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ कर आया है। अब इसको सीधा करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। सो ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है, अब इसको हम अपनी कुर्ती के साथ ज्वाइन कर लेंगे। सो इसी के साथ जो हमारी कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी। सो गाइस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस अम्ब्रेला प्लाजो का ट्यूटोरियल आपको देखना है तो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर टच करके ये अम्ब्रेला प्लाजो आप कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं।